अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकाली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो इंडियाज फर्स्ट कैबिन, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल इंडियाज फर्स्ट कैबिन स्टेट रेलवे ब्रिज अंजीखड़ ब्रिज, सो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। मैं सोनू और इस वीडियो में हम अंजीखड़ ब्रिज के अपडेट के बारे में जानेंगे। जम्मू और कश्मीर के दुर्गम एरिया को रेलवे से कनेक्ट करने के लिए जो रेलवे का प्रोजेक्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट में अंजीखड़ ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंजीखड़ ब्रिज भी चेनाब ब्रिज की तरह यूनिक है। और इतना ही नहीं, यह ब्रिज भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेट ब्रिज होगा। इस वीडियो में अंजीखड़ ब्रिज की खासियत, इसमें आ रही दिक्कतें और इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपने हमारा वीडियो देखा होगा चेनाब ब्रिज के ऊपर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होगा, जो कि जम्मू और कश्मीर में उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसी प्रोजेक्ट में एक और आकर्षित ब्रिज है, अंजीखड़ ब्रिज, क्योंकि अंजीखड़ ब्रिज इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेट ब्रिज होगा। अंजीखड़ ब्रिज जम्मू बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में चेनाब ब्रिज के पास ही बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली यह ब्रिज कटरा से रियासी के सेक्शन में टनल नंबर 2 और टनल नंबर 3 के बीच बन रहा है। शुरुआत में अंजी ब्रिज को भी चेनाब ब्रिज के तरह आर्च ब्रिज बनाने का प्लान था, लेकिन वहां का ज्योग्राफिकल एरिया आर्च ब्रिज के लिए सूटेबल नहीं था। 2016 में भारतीय रेलवे ने डिसाइड किया कि आर्च ब्रिज के बदले वहां केबल स्टेट ब्रिज बनाया जाए। 2017 में HCC अर्थात हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को अंजीखड़ ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया गया। 36 महीनों के डेडलाइन के साथ, यानी जनवरी 2020 में अंजी ब्रिज को कंप्लीट करने का टारगेट था, लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशंस के गड़बड़ के वजह से यह कार्य लेट लतीफ का शिकार हो गया और यह ब्रिज अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंजीखड़ ब्रिज की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो ब्रिज का मेन पाइलन अर्थात स्तंभ बनकर तैयार हो गया है। अब हम अंजीखड़ ब्रिज की पूरी डिटेल जानते हैं। तो आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई अर्थात हाइट 331 मीटर है। इस ब्रिज में 96 केबल सपोर्ट होंगे। यह ब्रिज इंडियन रेलवे के इतिहास में पहला केबल स्टेट ब्रिज होगा। यह परियोजना नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। अंजीखड़ ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 473.25 मीटर है। इस ब्रिज को ब्रॉड गेज डबल ट्रैक रेल लाइन के लिए निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के अंतर्गत कुल 3 स्पैन्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़े स्पैन की लंबाई लगभग 290 मीटर होगी। नदी के तल से इस ब्रिज की ऊंचाई लगभग 331 मीटर होगी। इस प्रकार यह वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट रेल ब्रिज होगा एवं इस ब्रिज का पूरा ढांचा 96 केबल्स की सहायता से टिका होगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज के निर्माण में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है। यह ब्रिज तेज गति से चलने वाली आंधी तूफान को आसानी से झेल लेगा और बड़े से बड़े भूकंप में भी टिका रहेगा। और क्योंकि आपको पता है कि इस परियोजना का निर्माण हाईली सेंसिटिव इलाके में किया जा रहा है, तो यह ब्रिज बड़े से बड़े बम ब्लास्ट को भी आसानी से सह पाएगा। इस परियोजना के निर्माण के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही रेलवे के जरिए इंडियन आर्मी मिलिट्री ट्रूप्स इक्विपमेंट्स इत्यादि की मूवमेंट काफी आसानी से और तेज गति से कर पाएगी। इस परियोजना को सर्वप्रथम अक्टूबर 2016 में प्रस्तावित किया गया था। जनवरी 2017 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। HCC लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। लगभग 458 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस परियोजना के निर्माण में और यह परियोजना 2022 तक पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। आपने अभी तक चेनाब ब्रिज का अपडेट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाकर चेनाब ब्रिज के अपडेट के बारे में देखें। थैंक्स जी जनाब। क्या बात है, कौन सा ब्रिज? अंजीखड़। और इन इलाकों में, अच्छा, इस तरह से मिलती जुलती वीडियो हमने देखी है, जिसमें पहले भी ब्रिजेस का जिक्र हुआ था, अंजीखड़ ब्रिज का जिक्र भी हुआ था, चेनाब ब्रिज का भी जिक्र हुआ था, दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज, और
मैं आपको बताया भी था और दोबारा भी कह सकता कहूँगा कि इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम, ब्रिजेस का काम चैलेंज होता ही है। यहाँ पे ये बात तो करे ही ना कि पैसा ज़्यादा लगेगा, वो तो लगना ही लगना है, लेकिन ये काम इंजीनियरों के लिए एक चुनौती, एक चैलेंज, मतलब यूँ समझ ले कि ये ऐसा है कि हर हल्के फुल्के बंदे का काम नहीं है। इसमें ज़रा सी भी चूक, अच्छा, ज़रा सी भी गलती आपके बहुत बड़े प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क कर सकती है। सोच रही हूँ कि एक तो ये वैसे ही जगह ऐसी है, मतलब कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मुश्किल, बिल्कुल, प्लस सेंसिबल एरिया है, ऐसा ही है, ऐसा ही, दूसरी चीज़ों के भी खतरात हैं, बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पे काम का होना, उसके बाद ऐसा ब्रिज बनाना जो वाकई बड़ा यूनिक और मेरे हिसाब से तो बहुत स्पेशल टाइप का ब्रिज होगा। मैं बता रहा हूँ ना कि इन इलाकों में अगर ट्रेन चल पड़ती है, चल भी रही है और मज़ीद ही जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया से कनेक्ट हो जाता है इस तरह से, तो आपने यूँ समझ लें कि दुनिया के कई साल बचा लिए, कई वक्त बचा लिया, और आपने टूरिज़्म को तरक्की दी, और आप ख़ुद भी तरक्की की तरफ रवाना, हाँ ना, बस जब देखें, जब चीज़ें, लोग आते हैं, लोग कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली तरक्की होती है। इस ब्रिज के बारे में जो डिटेल हमें पहले पता थी कि इस ब्रिज को दो टावर्स के ज़रिए बनाया जा रहा था कि एक पहाड़ पे एक टावर था, दूसरे पे, जो कॉमन सेंस की बात होती है, ताकि लोड बर्दाश्त हो, लेकिन एक तरफ वाला जो पहाड़ था उसकी कैपेसिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं थी कि वहाँ पर ब्रिज टिक सके, पिलर, तो फिर इन्होंने ये किया कि एक ही पिलर पे इसको खड़ा किया ब्रिज को, लेकिन सपोर्ट कहाँ से दिया, केबल्स के थ्रू, यानी कि इसको 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 कहा जा रहा है केबल ब्रिज, केबल ब्रिज, यानी कि केबलों की वजह, केबल से उसको, इसका काम जो है ना थोड़ा सा मतलब लंबा हो गया, वो ये कह रहे हैं कि बहुत लेट लतीफ हो गया, वो इसलिए कि इसको कंप्लीट होना था जनवरी 2020, बिल्कुल, जो कि गुजर चुका है, ठीक है, लेकिन अभी 2022 में, 2022 में ही कंप्लीट होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम हो रहा है, तो मेरे हिसाब से कंप्लीट तो हो ही जाएगा। मैं कहता हूँ ये भी कोई डिले होना नहीं है, जिस तरह से ये चैलेंजिंग काम होता है, जिस जगह पे हो रहा है, जो एरिया, आपने नोट किया था ना कि उस वीडियो में भी कि उसकी जो फिजिबिलिटी थी वो चेंज करनी पड़ी, जब उसकी जो उसकी पहाड़ की जो चीज़ें नोट की गई, उसको मेजरमेंट किया गया या उसको देखा गया, तो उसके बाद उसके उन्होंने चेंज कर दी उसकी फिजिबिलिटी, फिर सारी चीज़ें चेंज हो गई। आपको पता है जब आपका किसी प्रोजेक्ट का तरीक़ेकार ही चेंज हो जाए कि अब इस तरीके से नहीं करें, तो आपको फिर सिफर से आना पड़ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि दो साल जो हैं वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वरना तो यहाँ तो सालों साल प्रोजेक्ट लटक जाते हैं, पता ही नहीं होता, अब कहीं सालों बाद जाके, अब जाके कराची पोर्ट पर ग्रीन बसें आई हैं, अब उनकी एग्ज़ाम हो रहा है, अब वो रोड पर चलेंगी एज ए ट्रायल, लेकिन एक कराची के लिए कई सालों बाद ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कई सालों बाद, लेकिन ये मेंटेन रहे और इसमें कोई मसले मसाइल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये आवाम को फ़ायदा देता रहे। और मैं तो ये कहूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अंजीघाट ब्रिज जल्द से जल्द तैयार हो जाए 2022 में, तो अब तो समझो, अब तो समझो बहुत ही करीब है, बिल्कुल बिल्कुल, ये कंप्लीट हो जाए, मज़ीद डिले ना हो, लेकिन जिस जगह को, जिस एरिया को ये पूरे इंडिया से कनेक्ट कर रहा है, ये रेलवे ट्रैक, जम्मू कश्मीर रेलवे ट्रैक, और ये ब्रिजेस जो बन रहे हैं, मैं कहता हूँ बहुत बहुत बेनिफिट वाले हैं ये, आपने उस इलाके को शहरों से जोड़ देंगे, उस इलाके को आप इंडिया से जोड़ देंगे, जो इलाके कुदरती तौर पर ऐसे नहीं है, कुदरती तौर पर ऐसे नहीं है का मतलब पहाड़ हैं, दरिया हैं, खाइयाँ हैं, तो कुदरत ने उन इलाकों को अलग थलग बनाया हुआ है उनकी जुग्राफियाई वजह से, लेकिन उन इलाकों को आप साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इंजीनियरिंग की वजह से मिलाते हैं, तो आप यूँ समझ लें कि बहुत बड़ा काम करते हैं। अच्छा, ये बिजनेस बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है, काम होता है, तो ये कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर रहे हैं आप, ये वाकई इम्पॉसिबल काम था, वाकई पहाड़ों को खोदना, पहाड़ों को काटना, ब्रिजेस बनाना, ऐसी चीज़ों को बनाना बहुत बड़ी बात है, बस मुंह से अदा करना तो बहुत, मैं बोलूँगी टाइम टेकिंग काम है, जिंदगी लग जाती है, और जो कर रहे हैं काम उनसे पूछिए क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी, और जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं वो उन्हें पता होगा, एक कंस्ट्रक्शन का काम आप एक ज़मीन पे करते हैं, समझ में आता है, आप इस तरह पहाड़ों पे जाके करते हैं, आपको पता है मटेरियल वहाँ तक लाना ही कितना मुश्किल है। अच्छा, आप वहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, लेकिन आपको जब ब्रिज बनाना है तो वहाँ पर आपको सामान तो लाना है ना, आप कैसे लाएंगे, कमाल, बहुत
बड़ा, बहुत मेहनत तलब, बहुत चैलेंजिंग काम है। उम्मीद करते हैं ये ब्रिज हम बनने के बाद इस पे रिएक्शन दे रहे होंगे बहुत जल्द। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।